Thank you.
करुणा के सागर गुरुदेव, हम सभी साधक आपके द्वार पर आए हैं। आप हमारी जानकारी में नहीं हैं, पर हम आपकी जानकारी में जरूर हैं। पार आपका पाए न कोई, प्यार सभी ने पाया। आकाश का पार कौन पा सकता है? आकाश की ऊंचाई कौन जान सकता है? धरती पर खड़ा हुआ व्यक्ति हिमालय की ऊंचाई क्या नाप सकता है? किनारे पर खड़ा हुआ व्यक्ति सागर की गहराई कैसे माप सकता है? हम तो इतना ही जानते हैं कि गुरुदेव, हम आपके भक्त हैं, हम आपके साधक हैं। और आप में ही हमारी भक्ति दृढ़ होती जाए, हमारी प्रीति गुरु चरणों की पक्की होती जाए, हम अपने जीवन में उत्तर की ओर गति करें। आप तो दया और करुणा के सागर हैं गुरुदेव। सागर से एक बूंद पानी निकलेगा, सागर को तो कुछ नहीं कुटेगा, पर हमारा काम बन जाएगा। और आप तो करुणा कृपा बरसा ही रहे हो। हम उसको देख पाए, समझ पाए और इस कल्याणकारी राह पर चल पाए। हे शक्ति के भंडार, हे शक्ति पुंज, बाहर से भले गुरुदेव अभी आप यहाँ नहीं हो, पर फिर भी आप कहाँ नहीं हो, गुरु एक व्यक्ति नहीं है, गुरु तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु। गुरुदेव जब आप हमारा विवेक बढ़ाने की बात करते हो, ये आपका गणपति रूप है। जब हमारे कल्याण की बात बताते हो गुरुदेव, ये आपका शिव रूप है। और जब आप हमें बीमारियों से और दुखों से बचने की बात बताते हो, ये आपका गौरी रूप है, ये आपका मातृ रूप है। तुमेव माता, आप ही हमारी माँ हो। माँ तेरा मोल तो है उसी को पता, जिसकी कोई नहीं माया।
से गुरुद्वार पर आ पाए हैं। वे धनभागी हैं जिनकी आंखें गुरुदेव के सुमरण में गीली हो जाती हैं। जिनके दिल में गुरु के लिए भक्ति होती है उनकी आंख भक्ति से भर आती है। समुद्र पार कर सकता है कोई पैर गीले किए बिना ही, पर भव सागर कोई आंख गीली किए बिना पार नहीं कर सकता। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाए। बरसात आए और छत गीली न हो, गुरुदेव की याद आए और साधक की आंख गीली न हो, सोचना कि अमुक साधकों को इतना भाव आ रहा है, वो भाव में भर जाते हैं और उनकी आंख आंसू से भर जाती है। हमको नहीं, नहीं। विचार मार्गी साधक होगा तो वो शांत आत्म भाव में मस्त होगा।
भक्ति भाव वाला भक्ति भाव में मस्त होगा। गुरुदेव की कृपा तो सब पर बरसती है। चाहे भक्ति मार्गी हो चाहे ज्ञान मार्गी हो, सब पर करुणा कृपा बरसती है। हरि ओम।